आज इस वीडियो में हम दो डिवाइस को टेस्ट करेंगे एंड ये वीडियो बजट वर्सेस हाई एंड डिवाइस की है। जो 4th Gen 1 वाला डिवाइस है वो बजट स्मार्टफोन है, वहीं 888 Plus वाला हाई एंड स्मार्टफोन है एंड प्राइस में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इनमें। जितना परफॉर्मेंस में डिफरेंस है उससे ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस है। वहीं मैं इनके सेगमेंट की बात करूँ तो 4th Gen 1 अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट चिपसेट है एंड 888 Plus अपने सेगमेंट में सबसे लो परफॉर्मेंस वाला चिपसेट है। करंट जो ऑप्टिमाइजेशन है GNS की वो काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से गेम उसमें काफ़ी बढ़िया चल रहा है 888 Plus के साथ। इवन 4th Gen 1 के साथ भी प्लेबल सा चल रहा है, कहीं कहीं पर काफ़ी स्लो हो रहा है, वैसे प्लेबल जैसा चल रहा है 4th Gen 1 के साथ भी। ये गेम काफ़ी हाई एंड है एंड इस तरह के चिपसेट के लिए नहीं है। अब 4th Gen 1 जैसा चिपसेट इस तरह की हाई एंड गेम के लिए ना बाएँ करें, ये आपके PS2 गेम्स के लिए काफ़ी बढ़िया है 4th Gen 1। वहीं 888 Plus काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट करके परफॉर्मेंस को थ्रोटल करता है। 4th Gen 1 में थ्रोटल इशू बहुत कम होता है, बहुत ही कम फ्रेम ड्रॉप होता है इसमें, जो भी मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्राफिक्स हैं, जितना लोड उठा सकता है GPU उतना उठा लेता है, ड्रॉप नहीं करता है। वहीं 888 Plus का GPU पावरफुल है पर फिर भी उतना ज़्यादा लोड नहीं उठा पाता है। 888 Plus का GPU अपने कैपेसिटी से कम लोड उठाता है, जिसकी वजह से स्नैपड्रैगन 870 इससे बेटर परफॉर्म करता है। बाकी इस वीडियो में 870 को कंपेयर नहीं करें, 870 में ये गेम Realme GT Neo 3T के साथ मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ट्राई करी थी एंड उसमें काफ़ी हद तक सिमिलर FPS आपको देखने को मिलेगी। विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर ट्राई करें तो 870 में 888 Plus से ये ज़्यादा स्टेबल एंड ज़्यादा बेटर चलती है। स्टार्टिंग में आपको FPS में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग के 2-4 मिनट 888 Plus एंड 870 दोनों सेम परफॉर्म करेंगे, पर उसके बाद जब ये 888 Plus ओवर हीट करेगा तो ये फ्रेम ड्रॉप करेगा। 870 बहुत ही माइनर फ्रेम ड्रॉप करता है इसके सामने एंड लॉन्ग टर्म गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा चिपसेट है 870। अगर आपको 2-3 घंटे के लिए लगातार गेम खेलनी है तो 870 सबसे स्टेबल परफॉर्म करता है एमुलेशन में। बाकी ये छोटी सी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना स्पेस खाली करना था स्मार्टफोन्स में एंड ये गेम एक्स्ट्रा पड़ी थी एंड फालतू में इसने साइज़ भर रखा है। सो ये फटाफट मैं ये गेम्स को टेस्ट करके और डिलीट करने वाला हूँ। बाकी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है काफ़ी दिन से, अभी भी काफ़ी दुख रहा है, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। आज इस वीडियो में भी वॉइस ओवर इतना ही करूँगा, वैसे छोटी सी वीडियो पूरी ही देख लेना। Ah!